आधा वर्ष है नाउरीन में आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने वायनाड पार्लियामानी हलके से दाखिल किया परचय नामजदगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रैली में लिया हिस्सा। प्रजावानी स्टेट नोडल कमिश्नर ने मजलिसी रुकन असेंबली अहमद बलाला के हमरा डबल बेडरूम कॉम्प्लेक्स का दौरा करते हुए मकीनों के मसाइल का लिया जायजा। मजलिसी अराकीन असेंबली मुतालिका हलकों में जारी तरक्याती कामों और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ। तेलंगाना पुलिस ड्यूटी मीट में बेहतरीन मुजाहरा करने वाले पुलिस अहलकारों को कमिश्नर पुलिस ने नकद इनाम से नवाजा। कई दिनों से मफरूर और मुतादिद केसेस में मुलविस मतलूब रॉडी शीटर्स गिरफ्तार, साउथ जोन टास्क फोर्स टीम की कार्रवाई। रिव्यूज की दीगर अहम खबरों पर एक तफसीली नजर डालेंगे। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट के टी रामाराव ने मरकजी ममलिकती वजीर दाखला बंडी संजय की जानिब से उन पर किए जाने वाले रिमार्क्स के खिलाफ लीगल नोटिस रवाना किया और बंडी संजय को इंतबाह देते हुए बताया कि अंदरून 8 यौम उन पर किए गए रिमार्क्स पर माफ़ी मांगे या कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहें। वाज़ेह है कि मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखला बंडी संजय ने चंद रोज़ कबल के टी रामाराव के खिलाफ रिमार्क्स करते हुए उन पर ड्रग्स इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद किया था। वज़ीर उमूर मुखन्ना श्रीधर बाबू ने गांधी भवन में मुनक़िदा प्रजावानी प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए आवामी मसाइल की समाअत करने के बाद तय खून दिया कि वो 26 अक्टूबर को चीफ सेक्रेटरी के पास तमाम मसाइल पेश करते हुए उसकी यकसोई करने के सिलसिले में मुज़ाकरात करेंगे। चारशंबे के रोज़ मुनक़िदा प्रोग्राम में कई अजला के ज़ईफ़ुल उम्र अफराद और माज़ूरीन के अलावा वज़ाइफ के मसाइल को लेकर कई नौजवान मुलाजमतें फरहम करने के अलावा राशन कार्ड्स की फरहमी और दीगर मसाइल को पेश किया। वज़ीर उमूर मुखन्ना श्रीधर बाबू ने कई एक मसाइल पर मुतालिका अहदेदारों से फ़ोन पर राबता भी किया। नमस्ते सर, हेलो, पेंशन हैंडीकैप सर, हेल्थ बागले हमें जरूरत है ट्रांसफर చేయమను కార్యపల్లి కోసం నుంచి। ఇప్పుడు హై స్కూల్ నుంచి రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఉండదే? లేదు సార్, హై స్కూల్ రెసిడెన్సే, సోషల్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్స్ సార్, ఆ టైప్ చేసిన పొరపాటు చేశారు కానీ ట్రాన్స్ హై స్కూల్ నుంచి। रियासती वज़रा पी श्रीनिवास रेड्डी और वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर के अलावा ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर श्रीलता और मुख्तलिफ महकमेजात के अहदेदारों ने जनूबी कोरिया में तीसरे रोज़ भी वहां पर किए जाने वाले तरक्याती इकदामात का जायज़ा लेते हुए वहां के अहदेदारों के साथ तबादला ख्याल किया। वज़ीर इत्तला'आत व ताल्लुकात आमा पी श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत ने मूसा नदी को फ़रोग देने के अलावा हैदराबाद शहर को दुनिया का मिसाली शहर बनाने के लिए कई एक मंसूबे तैयार किए हैं।
वजीर सियाहत व स्पोर्ट्स जुपल्ली कृष्णाराव ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत रियासत में स्पोर्ट्स को फरोग देने और मुस्तकबिल में होने वाले ओलंपिक्स गेम्स में ज़्यादा से ज़्यादा मेडल्स हासिल करने के लिए यंग इंडिया स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का ख़याम अमल में ला रही है और रियासत में जितने भी सियाहती मुकामात हैं उनको फरोग देने के सिलसिले में वजीर आला रेवंत रेड्डी इकदाम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि साबिक बीआरएस हुकूमत काम करने पर तवज्जो देने की बजाय सिर्फ बातें करने और वादे करने पर तवज्जो मरकूज किए हुए थे। रामायण पेट में हालात उस वक्त कशीदा हो गए जब सैकड़ों अफराद ने रियासती हुकूमत की जानिब से सीमेंट फैक्ट्री के क़याम के फैसले की मुखालिफत करते हुए अपने हाथ में सियाह झंडे और बैनर थामे हुए धरना दिया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वो सीमेंट फैक्ट्री के फैसले पर नज़रसानी करे। पुलिस की जानिब से एहतियाती तौर पर कई साबिक अराकीन असम्बली को उनके घरों पर नज़रबंद कर दिया गया था और कई एक कारकुनों को हिरासत में लिया गया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद आईपीएस ने तेलंगाना पुलिस ड्यूटी मीट में बेहतरीन मुजाहरा करने वाले 35 पुलिस ऑफिसर्स को नगद इनाम से नवाजा। तेलंगाना पुलिस एकेडमी में तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद पहली मर्तबा तेलंगाना पुलिस ड्यूटी मीट का अहतमाम किया गया था। इस मौके पर हैदराबाद सिटी पुलिस के मुख्तलिफ विंग्स के आला अहदेदार भी मौजूद थे। मलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके TNGO's कॉलोनी में रिवेन्यू अफसरान ने इनदामी कार्रवाई अंजाम दी। तफसीलात के मुताबिक सर्वे नंबर 156/1 में सरकारी एराजी पर गैर कानूनी तामीरात का हवाला देते हुए ये कार्रवाई की गई। रिवेन्यू हकाम ने कोई दस्तावेजात और इजाज़तनामा ना दिखाने पर इसे मुनहदिम कर दिया। मुतासरीन ने JCB में रुकावट डालने की कोशिश की और शिकायत की कि उन्होंने लाखों रुपये लगाकर ज़मीन खरीदी थी। इस मौके पर JCB पर हमला करने वाले एक शख्स को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ఎకరాల 27 గుంటల ప్రభుత్వ భూమిలో ఈరోజు 1000 స్క్వేర్ యార్డ్ లోపల కంపౌండ్ వాల్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇల్లీగల్గా దాన్ని మా సిబ్బంది వెళ్ళేసి అదేవిధంగా పోలీసుల సహకారంతో కూల్చివేయడం జరిగింది ఇక ముందు
ప్రభుత్వ భూమిలో ఎలాంటి ఇల్లీగల్గా కన్స్ట్రక్షన్ జరిపినా ఎంతటి వారైనా వారిపైన చట్టరీత్యా చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా కేసులు కూడా పెట్టడం జరుగుతుంది. టోటల్ ల్యాండ్ ఎంత వేస్తారు అది? 433 ఎకరాల 27 గుంటలు మైలార్దేవులపల్లి గ్రామం. साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने शालीबंडा पुलिस स्टेशन हदूद के रॉडी शीटर मोहम्मद अय्यूब खान उर्फ अय्यूब पहलवान को हिरासत में ले लिया, जो कई केसेस में मुलविस है और कई दिनों से फरार था। पुलिस के मुताबिक अय्यूब खान के खिलाफ तकरीबन 72 केसेस दर्ज हैं, जिनमें 14 कत्ल के 14 इकदाम कत्ल के अलावा दीगर केसेस शामिल हैं और कई दिनों से अय्यूब खान कोर्ट में पेशी भी अटेंड नहीं कर रहा था। इसके अलावा टास्क फोर्स साउथ जोन टीम ने काला पत्थर पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए राउडी शीटर मोहम्मद अशफाक को भी हिरासत में लिया, जो कई दिन से फरार था। रियासत आंध्र प्रदेश में अमरावती ड्रोन समिट 2024 के दौरान शानदार ड्रोन शो मुनक़िद किया गया, जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपनी जगह बना ली। इस इवेंट में 5,500 ड्रोन शामिल थे। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने 2 रोज़ा समिट के दौरान कई मंसूबों का ऐलान किया, जिसमें करनूल में 300 एकड़ पर मोहित ड्रोन हब का क़याम भी शामिल है। 35,000 ड्रोन पायलट्स की तैयारी के लिए तरबियती प्रोग्राम और नई ड्रोन पॉलिसी अंदरून 15 दिन में ऐलान करने की भी बात कही गई है। द वर्ल्ड्स फर्स्ट रिकॉर्डेड एयरमेल फ्लाइट इन द ईयर 1911। दिस groundbreaking expedition was Memorial Civil Aviation airliner in all its mammoth glory. If aviation has proven to be the powerful connector of our times, the ubiquitous passenger plane is its truest symbol. Our approach to the next frontiers of aviation. Ladies and gentlemen, we have now landed at the Vijayawada International Airport, the city of the future, Amaravati, Vikasit Bharat, Vikasit Andhra Pradesh. This is where our Honorable Chief Minister's Vision 2047 begins. Give it up, everybody, for Amaravati! India's strong economy and dynamic markets have placed us at the heart of global connectivity, nestled perfectly between the East and the West. Our airports are among the world's busiest. کلی میں جہاد المسلمین کے اراکین اسمبلی اور اراکین بلدیہ متعلقہ حلقوں اور ڈویژنز میں جاری ترقیاتی کاموں کی تکمیل اور عوامی مسائل کی یکسوئی کے لیے اقدامات میں مصروف ہیں۔ مجلسی اراکین اسمبلی اور اراکین بلدیہ سے جڑی خبروں پر تفصیلی نظر ڈالیں گے۔ صدر مجلس رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی نمائندگی پر چادر گھاٹ موسیٰ ندی سے لگے علاقوں کے مکینوں کو چنچلگوڑا جیل کے پاس واقع ڈبل بیڈ روم مکانات منتقل کیا جا چکا ہے۔ رکن اسمبلی احمد ولالہ کی جستجو سے ان مکینوں کے لیے سبسڈی پر رقمی امداد کو بھی یقینی بنایا گیا ہے۔ مکینوں کے بچوں کی تعلیم کے لیے بھی اقدامات کیے گئے ہیں۔ ڈبل بیڈ روم مکانات کے کمپلیکس میں آنگن واڑی کا مرکز بھی قائم کیا گیا ہے۔ چہارشنبے کو پرجاوانی اسٹیٹ نوڈل کمشنر دیویا دیو راجن نے رکن اسمبلی احمد بلالہ کے ہمراہ ڈبل بیڈ روم کمپلیکس کا دورہ کرتے ہوئے مکینوں کے مسائل کی سماعت کی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے دیویا دیو راجن نے بتایا کہ مکینوں کی طرف سے چھوٹے سے مسائل رجوع کیے گئے ہیں، ان کی یکسوئی کی ہدایت دی گئی ہے۔
انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس دورے کا مقصد مکینوں کے مسائل کی سماعت کرنا، ان کی گزر بسر کے بارے میں معلومات کرنا اور خاص طور پر بچوں کی تعلیم سے متعلق بھی جائزہ لینا تھا۔ نوڈل کمشنر نے بتایا کہ جو بھی بنیادی مسائل اور تعلیم سے جڑے مسائل ہیں ان کی یکسوئی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈبل بیڈ روم مکانات میں مکینوں کی بہتر زندگی اور ان کے بچوں کے مستقبل کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے رکن اسمبلی احمد بلالہ کی طرف سے مکینوں کی بازآباد کاری کے لیے کیے گئے اقدامات کی ستائش کی۔ مقامی مکینوں نے بھی رکن اسمبلی سے ایک بار پھر اظہار تشکر کیا۔ جی ایچ ایم سی کی جانب سے مختلف مرحلوں میں شہر کے حلقوں میں صاف صفائی کی مہم چلائی جا رہی ہے۔ اس سلسلے کے تحت حلقہ اسمبلی کاروان میں صاف صفائی مہم کا سلسلہ منجلسی ڈویژن کارپوریٹرز کے تعاون سے شروع کیا گیا ہے۔ منجلسی رکن اسمبلی حلقہ کاروان کوثر محی الدین کی نگرانی میں 21 یومی صاف صفائی مہم کا آغاز کیا گیا۔ اس موقع پر منجلسی ڈویژن کارپوریٹر محمد نصر الدین، ہارون فرحان، امیر الدین کے علاوہ جی ایچ ایم سی کے ڈپٹی کمشنر اور دیگر عہدیدار بھی موجود تھے۔ اس مہم کے دوران حلقے کاروان کے ہر ڈویژن اور ہر وارڈ میں صاف صفائی اور کچرے کی نکاسی کو یقینی بنایا جائے گا۔ ان میں بالخصوص حکیم پیٹ آئس فیکٹری، اکبر پورہ، مہتر بستی، شاہ حاتم تالاب آؤٹ لیٹ، پولیس لینڈ کوارٹرز، کٹورا ہاؤس اور اطراف اکناف کے صاف صفائی کے کاموں کو یقینی بنایا جائے گا۔ جو جی ایچ ایم سی کی جانب سے ایک اسپیشل رائڈ جو رکھا گیا، جس پروگرام کے اندر تمام ایز کو، ڈپٹیز کو اور تمام عہدیداروں کو کئی نوڈل آفیسر بنا کر، کئی اسپیشل آفیسر بنا کر ہر وارڈ کے اندر جہاں پر بھی گاربیج ہو یا ڈبریس ہو، اور اس کے علاوہ جو سینیٹیشن کا جو پروگرام ہے، جو ویل ڈرمز کی کمی تھی، رکشاؤں کی ضرورت تھی، آج سے کئی دن پہلے کمشنر صاحبہ سے ملاقات کر کر نمائندگی کی گئی تھی، اور جس کے اندر حلقہ کاروان کے اندر ویل ڈرمز، رکشے اور اسی طریقے سے جو وائرل چل رہا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ملیریا ڈپارٹمنٹ، انٹومالج ڈپارٹمنٹ، ڈپٹی کمشنر، اے ایم او اسسٹنٹ ہیلتھ میڈیکل آفیسر اور ہمارے حلقہ کاروان کے ٹولی چوکی کارپوریٹر، گولکنڈہ نارا نگر کارپوریٹر، اپنے اپنے وارڈس کے اندر اس پروگرام کو آغاز کیا گیا، اور اس پروگرام کے اندر جماعت کے صدر متمدن، ایکٹیو ورکرز شامل تھے۔ یہ پروگرام آج سے لے کر آنے والے 29 تاریخ تک رہے گا۔ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ، ابھی ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحبہ سے بات کیا، میں کمشنر صاحب کو، اڈیشنل کمشنر صاحب کو، زونل کمشنر صاحب کو لیٹر بھیجیں گے تاکہ پروگرام کو اور ایکشن کرنے کے لیے، کیونکہ ہر وقت پروگرام ہوتا تھا مگر ڈبری اسکاٹنگ کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ اس پروگرام کے اندر ہر جگہ پر کہیں پر بھی مٹی ہو یا کچرا ہو یا کانٹی ہو، جو بھی گندگی ہے اس کو لفٹ کرنے کے لیے پروگرام کو 7 دن کا پروگرام رکھا گیا۔ اس کو ایکشن کرنے کے لیے انشاءاللہ نمائندگی کی جائے گی۔ آج کے پروگرام کے اندر ڈپٹی کمشنر،
AMH, इंटोमोलॉजिस्ट और अदर डिपार्टमेंट के हमारे कॉर्पोरेटर। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की अराकीन असम्बली और अराकीन कौंसल मुतालिका हलकों में आवामी मसाइल की यकसोई को यकीनी बनाने में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हलके नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने मासाब टैंक में वाक़ चाचा नेहरू पार्क का तफसीली दौरा किया और वहाँ के मसाइल का जायज़ा लिया। बाद अज़ां उन्होंने मीडिया को बताया कि चाचा नेहरू पार्क में कई तरक्याती कामों के लिए मनसूबाबंदी की गई है और मरहले वाली असास पर तमाम कामों को अंजाम देते हुए आवाम को सहूलत पहुंचाई जाएगी। एक तफसीली दौरा चाचा नेहरू पार्क का किया गया जिसमें मेरे साथ यहाँ के मुकामी इब्तदाई सदर मुतमदीन तमाम GHMC के अहदेदार और कंसल्टेंट्स तमाम यहाँ पे मौजूद थे और हमने एक तफसीली दौरा यहाँ पे किया है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो चाचा नेहरू पार्क में जो ओपन थिएटर है उसका इफ्तिताह किया जाएगा। लाइब्रेरी जो बन के मुकम्मल है उसको भी फौरी तौर पे इफ्तिताह किया जाएगा। उसी के साथ साथ 75 लाख का एक एस्टिमेशन बना है चाचा नेहरू पार्क के लिए, जिसके लिए उसके ब्यूटिफिकेशन के जो इसका एंट्रेंस है और उसके जो पाउंड है उसको ब्यूटीफाई करते हुए और उसके पानी को क्लीन करने के लिए एटेक उसमें रखने के लिए और उसके साथ STP बनाने का एक प्रपोज़ल है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इस चीज़ के साथ जो यहाँ का डेड फाउंटेन है वो फिर से वर्किंग में आएगा और एक अच्छा विजुअल रहेगा यहाँ पे आने वालों को। पाथवे जहाँ जहाँ डैमेज है उसको फिर से बनाने के लिए मैंने इंस्ट्रक्शन दिए और उसका एस्टिमेशन बनाते हुए हम फौरी तौर पे काम करेंगे। एक एक्स्ट्रा जिम आउटडोर जिम यहाँ पे हमने प्रपोज़ किया है। उसी के साथ साथ एक हम यहाँ पे चाचा नेहरू पार्क में एक ओल्ड एज पार्क लाने का हम प्रपोज़ल कर रहे हैं जो एकदम चिल्ड्रंस प्ले एरिया के सामने होगा, जहाँ पर जो उम्रज़दा लोग हैं उनको वहाँ पे सहूलतें दी जाएगी, जैसा वो कहीं पे पकड़ के चल सके या किस कस्म से उनके लिए जो बेहतर इक्विपमेंट्स या बेहतर चीज़ यहाँ पे हम ला सकते हैं जिसे वो भी यहाँ पर आकर अपनी सेहत को बेहतर कर सके, वो भी हम यहाँ पे करेंगे। उम्मीद है ये तमाम काम फौरी तौर पे शुरू होते हुए जल्द से जल्द हम मुकम्मल कर नामपल्ली की आवाम जो यहाँ पर चाचा नेहरू पार्क में आती है उनको हम सहूलत देने की पुरजोर कोशिश करेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अरिन इस खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे सना अहमद के साथ। गोशा महल में नाले का छत मुनहदिम हो गया है। तफसीलात के मुताबिक दारुसलाम से चाकनावाड़ी जाने वाली शाहरा पर प्लाईवुड की दुकानात के सामने दरमियानी शब 2 बजे ये वाकया पेश आया। मुकामी ताजरीन भी हैरत ज़दा हो गए। बताया गया है कि यह कदीम नाला है और अचानक इसका छत मुनहदिम हो गया। दरमियानी शब ये वाकया पेश आया और कोई भी वहां पर मौजूद नहीं था, इसलिए कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इतला मिलते ही चारशंबे की सुबह भी बल्दिया का अमला वहां पहुंच गया, मरम्मती कामों का आगाज कर दिया गया है। हैदराबाद की उस्मान यूनिवर्सिटी पुलिस ने तेलुगु फिल्म प्रोड्यूसर और रियल एस्टेट ताजिर बी सिवारामा कृष्णा के बशमूल 3 अफराद को रायदुर्गम में सरकारी अराजी को मुबैना जालसाजी के जरिए तैयार किए गए दस्तावेजात के जरिए हड़पने के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक सिवारामा कृष्णा के चंद्रशेखर और एम लिंगया के साथ मिलकर रायदुर्गम में वाकई अराजी के जाली दस्तावेजात तैयार किए थे और ये भी इत्तला है कि तेलंगाना स्टेट आर्काइव और रिसर्च इंस्टीट्यूट से इसे अटेस्टेड भी कराया गया। शिकायत मिलने पर कार्रवाई करते हुए इन अफराद को गिरफ्तार किया गया। ये भी इत्तला है कि 83 एकड़ की अराजी पर जाली दस्तावेजात के जरिए कब्जे की कोशिश की जा रही थी।
आबकारी पुलिस ने शहर हैदराबाद और उसके नवाही इलाकों में गांजे की मुंतकली के खिलाफ क्रैकडाउन को जारी रखा है। आबकारी पुलिस ने 4 मुख्तलिफ केसेस में 7058 किलो गांजा जब्त करते हुए 6 अफराद को गिरफ्तार किया है। आबकारी पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार करते हुए 9 ग्राम MDMA जब्त किया है। के नगर बंडलागुड़ा में 1.5 किलो गांजा जब्त किया गया। मलकापुर नल्लापोचम्मा मंदिर के पास 1 किलो 308 ग्राम, धूलपेट में 1 किलो 400 ग्राम और चंदानगर में 2850 ग्राम गांजा जब्त किया गया है। गिरफ्तार शुदगान में एक खातून भी शामिल हैं। 4 सेलफोन, 3 बाइक्स भी जब्त किए गए हैं। जब्त किए गए गांजे की कीमत तकरीबन 20 लाख रुपए से ज्यादा बताई गई है। बैंगलोर से MDMA लाने वाले अजय को भी गिरफ्तार किया गया है। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने वायनाड पार्लिमानी हलके से दाखिल किया पर्चे नामजदगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रैली में लिया हिस्सा। प्रजावानी स्टेट नोडल कमिश्नर ने मजलिसी रुकन असेंबली अहमद बलाला के हमरा डबल बेडरूम कॉम्प्लेक्स का दौरा करते हुए मकीनों के मसाइल का लिया जायजा। मजलिसी अराकीन असेंबली मुतालिका हलकों में जारी तरक्याती कामों और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ। तेलंगाना पुलिस ड्यूटी मीट में बेहतरीन मुजाहरा करने वाले पुलिस अहलकारों को कमिश्नर पुलिस ने नकद इनाम से नवाजा। कई दिनों से मफरूर और मुतादिद केसेस में मुलविस मतलूब रॉडी हिटर्स गिरफ्तार, साउथ जोन टास्क फोर्स टीम की कार्रवाई। इसी के साथ रूबरू न्यूज़ यहीं अख्तिताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़।